क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा कर गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर, सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था, यह सत्य प्रचार होता था, दिन से इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेच कर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया, तो इन्होंने देखा कि मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे, तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा। इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से, और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे न्यायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है, उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई, और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है, उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था, और उद्देश्य यही था कि इनके इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले, और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब।